बात है कि अपनी हिम्मत है इनकी कि अपने आप रिकॉर्डिंग करना और उसको अपने आप रिलीज करना, इंटरनेट पे जाएगा, सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया इसको देखेगी और पूरा परिवार इनके साथ आया है। उन सबसे भी मैं मिला, बहुत खुशी हुई। श्रुति नाम ही इतना अच्छा है हमारे संगीत में, जो सात सुर हैं वो श्रुति में से ही निकले हैं, 22 श्रुतियों में से ये सात सुर चुन चुन के निकाले गए हैं, उन्हीं में से एक चुना हुआ स्वर है श्रुति सोलंकी, तो आज हमारे बीच हैं। अब मैं ये एल्बम पूरी अच्छी तरह सुनूंगा और सुनने के बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। आज एल्बम तो नहीं सुन पाए, दो चार लाइन सुनी अच्छी लग रही है, लेकिन पूरा एल्बम सुन। मैं श्रुति को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह भगवान कृष्ण का आज जन्म हुआ था, उसी तरह हमारे कलाकारों के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी गायिका का जन्म हुआ, और इनको सब सुनिए, इनका संगीत पसंद करिए, सराहना कीजिए, जिससे कि ये और आगे बढ़े और खूब नाम करें। अनुज जी, अदलिया में आज इतनी बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। आदेश हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो इंडस्ट्री में हमेशा रहेंगे, उनके जाने से हम ये ना समझे कि वो चले गए, क्योंकि वो इतना काम कर गए कि वो हम जब 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 सुनते हैं उनको याद करते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हो उस लोक में भी उनको वही स्थान मिले जो यहाँ पर उनको प्रेम मिला, सम्मान मिला, आदर मिला। बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान और बहुत अच्छे कंपोजर हैं, उनके साथ बहुत समय गुजारा है, क्योंकि उनकी पत्नी विजेता वो भी हमारे सब परिवार जैसी, पंडित जसराज भी हमारी पत्नी के गुरु रहे, तो हमारे तो जीवन में वो पूरा परिवार जो है पूरी तरह मिला हुआ है, तो बिल्कुल आदेश और विजेता हमारे परिवार के सदस्य रहे, और विजेता को भी मैं कहूँगा कि अपने अंदर वो शक्ति जगाए कि इतना बड़ा देश है। थैंक्स जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थॉट यू नीलांजना, आई डोंट वांट गर्ल, शी लुक्स वन नीलांजना, शी लुक्स जस्ट लाइक यू, सो आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर नीलांजना, डोंट माइंड, माय नेम इज मेहक, प्लेजर टू मीट यू, आई एम अनुज, ग्लैड टू सी यू सर। हां जी, सिंगर श्रुति सोलंकी का जो एल्बम लॉन्च हुआ है, आपने एल्बम सुना, कैसा लगा? मैंने थोड़ा सुना, पूरा नहीं सुना, क्योंकि अब लेके जाऊंगा अपने साथ, पूरा सुनूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि श्रुति बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी अच्छी आवाज है, नाम ही संगीत का है, हमारे स्वर जो है वो श्रुति ही है, वहीं से सब प्राप्त हुए हमें स्वर, तो भगवान से प्रार्थना है कि ये एल्बम खूब पॉपुलर हो और उसका खूब नाम हो। जबरदस्त जबरदस्त मिलता है एल्बम से ही, तो लोग हम लोगों के नाम एल्बम से ही तो हुए, हमारे नाम फिल्म से थोड़ी हुए, हम लोगों के नाम, मैं जगजीत सिंह, पंकज उदास, तलत अजीज, मेहंदी हसन, गुलाम अली, हम लोगों के नाम हमारे एल्बम से। और फ्यूचर में आप कोई एल्बम निकाल रहे हैं? वह तो आते रहते हैं, हर महीने एक ना एक एल्बम। चोर चोर क्यों करती है तू, तो मुझ पे मरती है, तूने मुझको कॉल किया, अब दुनिया से क्यों डरती है, ये ले पैक लगा ले तू, दिमाग हवा में उड़ा ले तू, चोर चोर ना कर कुड़िए, इस चोर को जब भी पाले तू।
श्रुति, हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक बात। आपका गाना, आपका वीडियो, आपका डांस सब कुछ बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। और आपको देख के जो दो लाइनें मुझे याद आ रही है वो सिर्फ यही हो सकती है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा गोरी, बाकी सब कंगा, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलिया हट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तो वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। थैंक यू सो मच। और मैं मेरे दिन से ही उसकी एज काउंट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अपना सोनी सा कामयाब हो और इसी तरह आप गाते रहें और दुनिया में धमाल मचाते रहें। थैंक यू। अगर रेड नहीं पहनोगे तो अंदर मत आना। हरी जी, तहे दिल से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, खास दिन है, कन्हैया जी का जन्मदिन है, सबसे बड़ी बात यही है आज का। और आज हम सब लोग मिले हैं तो ये यादगार दिन है। और श्रुति के बारे में मैं बोलूँगा, श्रुति को कई साल से जानता था और कई बार उनके गाने सुन चुका हूँ। मेरे प्यारे भाई अरविंदर जी ने बस आधा मिस्ड कॉल मारा था कि ऐसा ऐसा है आना है, पूरा भी नहीं मारा तो मैं समझ गया और यहाँ पे आपके सामने हूँ। आज सच में श्रुति की आंखों में वो जो प्यार, वो खुशी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम सब एक कलाकार हैं अंदर से, तो मैं इनसे ज़्यादा खुशी उनके माता जी की आंखों में देख रहा हूँ कि वो आज बहुत खुश है। कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि अपनी माँ को आप इतना खुश देख रहे हो, सब कुछ पता लग रहा है, आपकी पूरी कहानी वहाँ समझ में आ रही है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे भी बहुत सारे एल्बम्स आप बनाएं, जो आगे आपकी जो भी इच्छा है ऊपर वाला उसको पूरी करे, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। मुझे बेहद खुशी है, इतने सीनियर और लेजेंडरी आर्टिस्ट ने मेरा आज अपने आशीर्वाद के साथ एल्बम रिलीज किया और बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने इतने अच्छे से मेरा इनविटेशन कबूल किया, आए यहाँ पे, मुझे इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। इतने सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं बॉलीवुड में, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, किससे इंस्पायर्ड हुए आप सिंगर बनी, कौन ऐसे? लता जी डेफिनेटली सबकी इंस्पिरेशन है, मुझे आशा जी और लता जी के गाने बहुत पसंद है, बचपन से आशा जी को बहुत ज्यादा सुना है मैंने और हर बच्चा यही सुन के बड़ा होता है, हम भी वही सुन के बड़े हुए हैं। और करियर की शुरुआत आपने कैसे की थी, मतलब शोज के माध्यम से या क्या क्या शुरुआत? जी बचपन से मैं 3 साल की उम्र से सीख रही थी संगीत और उसके बाद 5 से 6 साल की उम्र में मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना चालू कर दिया। मेरी मम्मा एंकर करते थे तो उन्हें देख देख कर मुझे भी लगता था मुझे भी माइक चाहिए, मुझे भी स्टेज चाहिए, मम्मा मुझे खड़ा करते थे स्टेज पे, मैं बचपन से परफॉर्म कर रही हूँ। जी इस एल्बम का शूट पहले हमने गोवा में किया था और उसके बाद हम लोगों ने मुंबई में शूट किया और इसमें 2 गाने हैं। पहला गाना मेरा दिल ढूंढे तुझे है और जिसमें मेरे खुद के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन है, उसमें मेरा ही
सारा चीज़ें आप देखेंगे कि मेरा पसंदीदा म्यूज़िक कैसा है। मुझे रोमांटिक गाने बड़े पसंद है, रोमांटिक और सॉफ्ट म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके का कंपोजिशन है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और जो सेकंड गाना है गड्डी विच चोर, वो आशू पंजाबी का कंपोजिशन है और उसमें लिरिक्स उनके ही हैं और रैप उनके बेटे टीजे ने किया है। बहुत अच्छा रैपर है, बहुत खुशी हुई मुझे दोनों के साथ काम करके। जी हाँ, सुबह से इसी बात के कारण आंखें नम भी हैं और हमारे बहुत करीब हैं आदेश जी, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ भोपाल, वहीं से कुछ दूरी पे जबलपुर है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपना कोई फैमिली मेम्बर आज खो दिया है। क्योंकि हमने डेट रखी, हमें लॉन्च करना रहा, लेकिन अंदर से मन दुखी है। चांस मिलना ना मिलना तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, ऑडियंस को जैसे पसंद आता है वैसे चांसेस मिलेंगे हमें। हमारे म्यूजिक के गुरु हैं, मेहनत करना हमारा काम है, सफलता देना भगवान का काम है। फ्यूचर प्रोजेक्ट, हम अभी काफी अपने सॉन्ग्स और लेकर आ रहे हैं, दो सॉन्ग्स हमारे अगले मंथ रिलीज हैं और कोशिश चल रही है, कुछ फिल्म्स के गाने आ रहे हैं और आगे देखिए जैसे होता चाहिए आपको। कैसा लगा आपको एल्बम और एल्बम का जो दौर नया आया है? बेसिकली जो ऑडियो जो है नॉन फिल्मी ऑडियो, उसका दायरा बहुत सीमित हो गया है और इस सीमित दायरे में जो बजट्स हैं वीडियो बनाने के वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, तो हमें सीमित दायरे में ही अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया जाता है कि कम बजट में कैसा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल वीडियो बन सकता है, तो वी ट्राइड इट एंड वी गेट द गुड वीडियो। मैं अगली फिल्म में श्रुति को गवा रहा हूँ, फिल्म का नाम है चलो मॉरिशस, तो श्रुति उसमें प्ले बैक कर रही है। माइक चल रहा है, गाना में से रोमांटिक गाने गवा रहा हूँ फिल्म के अंदर। बहुत लाउड है, पीछे बहुत लाउड है। हमारी फिल्म में संजय मिश्रा है, राजू खेर है, आदि आदि रानी है, हुसैन है, क्षमा सिकंदर है, बहुत अच्छी लंबी बड़ी स्टार कास्ट है।